पे कोन गिवन है और गिवन है एक सिलेंडर हमने इसके अंदर इंस्क्राइब किया हुआ है। हमें प्रूव करना है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ग्रेटेस्ट है एंड शो करना है इसका जो रेडियस है वो कोन के रेडियस के हाफ है। तो इसे करते हैं, कोन हमें गिवन है, इसके रेडियस को हम आर मान लेते हैं एंड हाइट को एच। सिमिलरली सिलेंडर के रेडियस को मान लेते हैं एक्स एंड हाइट को ओ ओ डैश। अब कोन हमें गिवन है तो उसका रेडियस एंड हाइट हमारा कॉन्स्टेंट होगा, बट सिलेंडर का ये जो रेडियस एंड हाइट है एक्स एंड ओ ओ डैश, ये वेरिएबल है। हमें किसी एक ही वेरिएबल में काम करना है तो हम इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। उसको कन्वर्ट करने के लिए हम एक एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, इसकी हेल्प लेंगे। अब क्योंकि ये एंगल भी कोन का है तो इसलिए ये भी कॉन्स्टेंट होगा। इतना लिख लेते हैं पहले, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हम टैन अल्फा निकालेंगे। पहले वाला ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, यहाँ पे टैन अल्फा होगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं इसके इक्वल है, सो ये आ जाएगा। एंड इसको हम लिख सकते हैं ये ए ओ माइनस ए ओ डैश के इक्वल है। अब हमारा ये पूरी चीज़ हाइट है एंड ये चीज़ है इक्वल टू एक्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फर्दर, ये हमारा टैन अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली अब दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, ये वाला, यहाँ पे टैन अल्फा होगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी हो जाएगा आर अपॉन एच। अब ये फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हम कंपेयर करेंगे, सो यहाँ से हमारे ओ ओ डैश की वैल्यू आ रही है, ये इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है। अब हमें कर्व सर्फेस एरिया मैक्सिमम शो करना है, उसके लिए हम कर्व सर्फेस एरिया निकालेंगे। कर्व सर्फेस एरिया फॉर सिलेंडर होता है 2π रेडियस हाइट, यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे इन दोनों की, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे ओ डैश ओ की, तो ये आ रहा है। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2π कांस्टेंट है एंड हाइट एंड रेडियस हमारे कोन की भी कांस्टेंट है, तो इस पूरी चीज़ को हम के मान लेते हैं। सो हमारा कर्व सर्फेस एरिया आ जाएगा ये। हमें इसे मैक्सिमाइज करना है तो यानी हम सबसे पहले यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसे इक्वल टू 0 पुट करेंगे एंड एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। फिर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे और एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, एक्स की वाली वैल्यूज इसमें पुट करके इसका साइन चेक करेंगे। तो ये करते हैं, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा ऐसे, के कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ये आ रहा हमारा एस डैश एक्स। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसे इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो एक्स की वैल्यू आ रही है यहाँ से आर बाई टू। अब हम एस डबल डैश निकालेंगे, इसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, वो आ रहा है माइनस टू के। अब के कॉन्स्टेंट है एंड माइनस टू नेगेटिव है, यानी ये पूरी चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, ये होगी लेस देन 0, यानी हमारा पॉइंट एक्स इक्वल टू आर बाय टू हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी यहाँ पे हमारा कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा मैक्सिमम। सो इसलिए हमारा जो एक्स इक्वल टू आर बाय टू था वो पॉइंट सही था। एक्स था हमारा सिलेंडर का रेडियस एंड आर था हमारे कोन का रेडियस, तो हमने शो कर दिया सिलेंडर का रेडियस हाफ है कोन के रेडियस के एंड हमारा कर्व सर्फेस एरिया सिलेंडर का मैक्सिमम है।